हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। और अम्फान के बाद अब निसर्ग ये तूफान लोगों की परेशानी बढ़ाने के लिए आ रहा है, लेकिन क्या मुंबई इसके लिए तैयार है या नहीं है, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूं। लेकिन उसके पहले अगर आपने फिल्मी खिचड़ी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। फ्रेंड्स, समुद्र में से नमी वाली हवाएं उठना और जमीन पर आकर उनका बरस जाना, यही ऋतुओं का चक्र है और हर मानसून में यही होता है। लेकिन कभी कभी इन हवाओं का जो स्पीड है, जो इनकी गति है, वो बहुत फास्ट हो जाती है। आमतौर पर जो मुंबई में अगर मैं बात करती हूँ तो 66-67 किलोमीटर पर आर की स्पीड रहती है, वहीं इस बार जो तूफान आ रहा है निसर्ग तूफान, उसकी स्पीड 110 से 125 किलोमीटर पर आर बताई जा रही है। तो आप जो विजुअल्स देखते हैं ना कि पेड़ उखड़ गया या फिर पत्रे उड़ गए या फिर छतें उड़ गई, जो हल्की छतें रहती हैं, तो सर्टनली उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं कि ऐसी कोई भी खिड़कियां शीशे उनको चेक कर लिया जाए ताकि वो टूट ना जाए, वो उखड़ ना जाए, और अगर कोई ऐसी चीज ऊपर पड़ी है तो उसको घर के अंदर लेकर रख लिया जाए। लेकिन मुंबई इसके लिए तैयार है या नहीं है, तो मैं इतना कह सकती हूँ कि मुंबई बारिश के लिए हमेशा तैयार रहती है। फिर भी नेवी जो नेवल सर्विसेज हैं उनकी तरफ से, डिफेंस सर्विसेज उनकी तरफ से कुछ एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि 5 फ्लड रेस्क्यू टीम्स एंड 3 डाइविंग टीम्स आर वेरी मच स्टैंडिंग देयर इन केस कभी कोई इमरजेंसी होती है, तो दे आर स्टैंडिंग देयर। उसके पहले एक दो दिन से वो लोग मछुआरों को वापस जमीन पर आने के लिए कह रहे हैं। मच्छी बोट आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है, इसलिए आपको सभी जल्द से जल्द आपकी बोट हार्बर की ओर ले जाए। नुस्तेकारानो तुमका लागून एक सूचित आसा, भारतीय तटरक्षका कडल्यान खूब पावस आणि वातावरण पिठ्यार जावचो आसा, बेगिना बेगीन किनाऱ्याकडे वसा, बेगिना बेगीन लागीच्या लागी। फ्रेंड्स, ये सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सारे तटीय इलाके और गुजरात के तटीय इलाके, गोवा के तटीय इलाके, सभी जगह पर नेवी तैयार है, मुस्तैद है, ताकि किसी भी मिस हैपनिंग के समय वो जाके अपने एक्शन में आ सके। फ्रेंड्स, फिल्म की खिचड़ी पर बन रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।